तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन से पीछे हटते हुए भी नज़र आ रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी वजह से गठबंधन जो है उनकी वजह से बना है और गठबंधन में सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा उनकी होंगी तो अभी तक जो था नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी था नीतीश कुमार जी ने सब गठबंधन की पहल की थी और सत्यपाल मलिक ने भी इसमें बचते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि मुझसे जहाज मांग, मुझसे मांगते तो मैं दे देता पहले तो वो भी गलत है राज्यपाल के पास जहाज़ों की वो नहीं होती कि जहाँ जहाज वो दे पाते पर फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अटैक के लिए मैं इनको जिम्मेदारी या इनको मेरे को नहीं पता कि किसने कराया बट अटैक हुआ है न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नर नारायण और मैं हूं हरीश असवाल मुद्दा देश का में आज हम बात करेंगे देश की क्योंकि जिस देश को बनाने की कोशिश यहां आई एन गठबंधन कर रहा है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है तीन मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि सितंबर तक प्रधानमंत्री कौन होगा चेहरा कौन होगा ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा साथ ही साथ शीट शेयरिंग पर भी फॉर्मूला तय हो जाएगा लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो क्या ये कहा जाए कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में उलझा रह गया है हरीश जी अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की बहुत कम अंतर है लेकिन पूरा फोकस पार्टियों का जो है वो विधानसभा चुनाव पे चला गया है क्या लोकसभा विधानसभा के रास्ते गठबंधन जीतने की कोशिश कर रहा है काजुल इसमें ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस को लग रहा है कि वो मजबूत हो रही है देश में तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन से पीछे हटते हुए भी नजर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी वजह से गठबंधन जो है उनकी वजह से बना है और गठबंधन में सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा उनकी होंगी तो अभी तक जो था नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी था नीतीश कुमार जी ने सब गठबंधन की पहल की थी नीतीश कुमार जी ने सपना भी देखा मंदिरों के चक्कर भी लगाए और उन्होंने कहीं ना कहीं इस गठबंधन को एक तरह से पहल की इस पर आज जो मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जब तक विधानसभा में इनका गठबंधन अगर मजबूत नहीं मिलेगा तो इनका लोकसभा में गठबंधन चल नहीं सकता और आपको 2019 की बात याद दिलाऊं तो चंद्रबाबू नायडू ने भी ये पहल की थी और चंद्रबाबू नायडू ने जब ये पहल की थी वो भी एक तरह से प्रधानमंत्री बनने के दावेदारी साबित मतलब कर रहे थे अपनी कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ पर उस टाइम पर क्या हुआ उनकी बाईस सीटें आई और बाईस में से मैं बताऊँ उनको कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था ये और जे की सोलह आर जे पे जीरो रुक गई थी कांग्रेस बावन पे रुक गई थी समाजवादी पाँच पे बीएसपी एस दस पे टीएमसी एम बाईस पे और आम आदमी पार्टी एक पे तो ये गठबंधन उस टाइम पे भी एक तरह से हो चुका था हार का सामना करना पड़ा और कड़ी हार का सामना करना पार्टियां अलग अलग थी लेकिन उस टाइम पे स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति उससे ज्यादा गंभीर है गंभीर ऐसे बोलूंगा कि उस टाइम पे आपके इलेक्शन नहीं थे आपके विधानसभा के इलेक्शन नहीं थे तो एक तरह से इनको गठबंधन में कुछ झूठ सच बोलने की जरूरत नहीं और एक समय मिल गया था समय मिल गया था इस बारी क्या है कि ये खुद ही अपने जाल में खुद फंस गए आप एमपी में देखिएगा कि एमपी में क्या किस तरह के शब्दावली इनकी बाहर आ रही है अब आप खुद सोचिए कि आप जब गठबंधन करते हैं तो एक दूसरे को प्रवक्ताओं के थ्रू तो बुलवा रहे हैं ये लोग पर अपने बयानबाजी इनके दिखाई दे रहे हैं जहाँ ये एक दूसरे को छुटपिया टाइप नेता के रूप में एक दूसरे को देख रहे हैं अब मैं बोलूं एमपी में शायद एमपी में कितनी सीटें हैं थर्टी 30... एमपी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उनतीस लोकसभा सीटें हैं उनतीस उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अस्सी लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण देखिए अब, तो अब समाजवादी पार्टी को जब उनतीस में इन्होंने जगह नहीं दी वहां पर तो अब क्या अस्सी में वो जगह देंगे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है और विपक्ष मजबूत है ऐसा नहीं कि विपक्ष कमजोर है बहुत मजबूत है तो क्या वो कांग्रेस की जहाँ जीरो सीट थी वो कांग्रेस को कुछ देने वाले हैं अगर उनके साथ इस तरह का भेदभाव होगा तो वो उत्तर प्रदेश में उसकी पूरी पूरी लेकिन पूरी। जो तस्वीर नजर आ रही है हरीश जी वो ये है कि जो है, हमने देखी अभी कुछ दिन पहले चाहे वो कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर अखिलेश यादव हो तलखी देखी गई लेकिन शायद कुछ ऐसी मीटिंग हुई गुपचुप तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी उसके बाद जो तस्वीर है वो बदलती गई अब तस्वीर ये नजर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में दोनों जो हैं वो आराम से सीट शेयरिंग करेंगे अब ये क्लियर रही है कि वो विधानसभा के लिए होगी या लोकसभा के लिए अच्छा चलिए आपने कहा सीट शेयरिंग करेंगे विधानसभा के लिए तो विधानसभा का इलेक्शन तो उत्तर प्रदेश में है नहीं लोकसभा का इलेक्शन है मध्य प्रदेश में सपा के कितनी कितनी सीटों पे ज्यादा दावेदारी है पांच से सात सीटों पर दावेदारी है अगर इन्होंने उन्हें पांच सात जगह पर इनको महत्व नहीं दिया तो क्या उत्तर प्रदेश में होगा नहीं होगा कभी भी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश बहुत मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2019 में बी के साथ भी इन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें बी की सीटें जो थी मैं दस सीटें निकल के आई थी और आ, सपा की पांच सीटें निकल के आई थी और दस दिन के अंदर अंदर ये गठबंधन टूट गया था तो जब वो गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था वो गठबंधन टूट गया यहाँ तो दोनों तरफ से तलखियाँ नजर आ रही हैं यहाँ कैसे वो गठबंधन चल सकता है गठबंधन चलने के कारण तो अब पहले जो थे अब मैं नायडू की बात करूँ नायडू वाली भूमिका आज की डेट में कौन नीतीश कुमार निभा रहे हैं नीतीश कुमार जी के अंदर भी इच्छा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की है वो अब अल्टीमेट उनका गोल तो प्रधानमंत्री बनना है अब उनको भी कहीं ना कहीं इस वो जो अब आपको जो दिखाई दे रहा है ना कि रात में गुपचुप जो मीटिंग हुई ये नीतीश कुमार की पहल थी कहीं ना कहीं कि कही भैया कही थोड़ा शांत हो जाओ गठबंधन टूट जाएगा अभी तक गठबंधन में हुआ क्या है ना कोई साँझा इनका कोई लोगो आया है ना साझा रैली हुई है ना कहीं ऑफिस खुला है ना कुछ भी इनका गठबंधन का अभी तक कुछ भी तय नहीं है और ना नीतीश कुमार उतने एक्टिव नजर आ रहे हैं ना ममता बनर्जी एक्टिव नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस है सबसे ऊपर अब आप चलिए आपने अरविंद केजरीवाल की बात करी अरविंद केजरीवाल दो जगह इनकी सरकार है पंजाब में और दिल्ली में दिल्ली में कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए इन्होंने पहल की थी आपको क्या लगता है कि दिल्ली में ये सीटों को शेयर करेंगे अपने साथ दिल्ली में एंट्री वापस देंगे कांग्रेस को तो क्या जो वादे और दावे जनता के सामने तीन मैंने, तीन मैंने आपको पहले वो भी कहा पार्टी दिल्ली में किसी को बर्दाश्त करेगी नहीं वो अपनी 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 पकाई हुई खीर को शेयर नहीं करेगी इसके पीछे वजह ये हो सकती है जहाँ तक मुझे लगता है जितना देखा है कि आम आदमी पार्टी जो है दूसरे राज्यों में उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है और अभी वो स्थिति भी नजर नहीं आ रही है शादी वजह हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल वही वजह है बाकी मगर दिल्ली में वो जगह नहीं देंगे इस बार ये बात आप लिख के लिख ये कि वो कांग्रेस को बिल्कुल भी एक भी सीट पे यहां उनका विवाद होने वाला है और ये गठबंधन टूटेगा ये गठबंधन जो आप पहले भी कई एपिसोड में आप बोलते आए हैं इस के कि जाएगा। जिस तरह के कि गठबंधन लीड कर रही है आपने कहा कि दिल्ली में पार्टी ने जगह नहीं देगी अगर दिल्ली में जगह नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलती है तो कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है कांग्रेस कहीं पर भी नहीं नजर आएगी कांग्रेस कांग्रेस का आजकल आप राहुल गांधी को देखा होगा आपने राहुल गांधी जी आजकल उनको पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का उन्होंने भी दो दिन पहले एक तरह से एक इंटरव्यू डिस्कशन टाइप उन्होंने इंटरव्यू किया जिसमें किसी तरह किसी तरह से वो सत्यपाल मलिक के मुंह से ये निकलवाना चाह रहे थे कि पुलवामा अटैक जो है बीजेपी ने किया क्योंकि हाँ, सत्यपाल मोदी हाँ, दोबारा नहीं आएंगे हाँ सत्यपाल मलिक जी अगेंस्ट में है ये पक्का है सत्यपाल मलिक ने भी इसमें बचते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि मुझसे जहाज मांग, मुझसे मांगते तो मैं दे देता पहले तो वो भी गलत है राज्यपाल के पास जहाज़ों की वो नहीं होती कि जहाँ जहाज़ वो दे पाते पर फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अटैक के लिए मैं इनको जिम्मेदार या इनको मेरे को नहीं पता कि किसने कराया बट अटैक हुआ है और आतंकवादी अटैक था तो कहीं ना कहीं वो उनके मुंह से निकलवाना चाहते थे कि कहीं पे ये बीजेपी के लिए बोल दें कि अटैक इन्होंने करवाया तो इस तरह के कहीं आपने कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बनाते हुए देश है मटन बिरयानी नहीं है या मटन के मटन बनाते बनाते देश की बिरयानी आप या मटन बना दो या बिरयानी बना दो ये देश है देश इन चीज़ों से नहीं चलता आप एक थाली में खा सकते हो पर देश के साथ आप इस तरह से नहीं व्यवहार कर सकते कि अपनी गद्दी के लिए अपने हित के लिए आप इस तरह से देश को भ्रमित करो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए आपका अपनी अभी गठबंधन का रोड मैप नहीं है देश का रोड मैप कहाँ से आएगा आपके पास आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कहीं आप पुली की तरह बैग उठा लेते हो हम उस चीज़ को ट्रोल नहीं करते कि टायर वाली ट्रॉली उठा ली है कुछ कर रहे वो उससे उस कोई मतलब नहीं है बात यह है कि देश इन चीज़ों से नहीं चलता आपका रोड मैप होना चाहिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उन प्लानिंग के ऊपर आपको आना चाहिए चाहिए डिस्कशन आपके होने चाहिए। ये कहा गया था कि सितंबर तक आपको दिखाई देगा कि शेयरिंग हो गई है प्रधानमंत्री पद का दावेदार चेहरा क्लियर हो जाएगा ना तो चेहरा क्लियर हुआ है ना ही अब तो कोई बयान भी नजर नहीं आ रहे हैं ना ममता बनर्जी के नीतीश कुमार के क्या, मतलब विधानसभा चुनाव का इंतजार हो रहा है कि ये खत्म हो जाए उसके बाद हम बयान विधानसभा विधानसभा चुनाव में देखिए अब मैं बताऊँ पांच राज्यों में चुनाव हैं कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है इसमें कोई शक नहीं है कांग्रेस अपनी स्थिति देखना चाहती है अगर हमारी पांच राज्यों में सरकार आ जाती है तो हम अर... अच्छा मतलब ट्रायल बेसिस पर चल रहा। ट्रायल बेसिस पर शांति से ये लोग खेल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और ये इतना बड़ा बवाल होगा दिसंबर तक मैं फिर दिसंबर दिसंबर पकड़ के बैठ रहा हूँ दिसंबर तक ये बहुत बड़ा बवाल होने वाला है क्योंकि इनमें मतभेद होंगे एक दूसरे के लिए रैलियों में एक दूसरे के लिए बातें निकालेंगे और उसके बाद ये मंच साझा करने की बात करेंगे तो जनता इनको सबक सिखाने वाले आपने कहा कि पांचों में कांग्रेस मजबूत है हाँ कुछ राजनीतिक पंडित भी ये कहते हैं कि पांचों राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में अगर राजस्थान की बात करें तो सरकार भी इनकी है और वहाँ पर पकड़ बहुत अच्छी है कांग्रेस की और बीजेपी और दूसरी पार्टी वहाँ कहीं नज़र आती नहीं है छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की, की, की हम बात कर ले और अगर इन पांचों राज्यों में चुनाव कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का ये तय है कि वो फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी फिर क्या यूपीए हो जाएगा वापस आईएनडी बिल्कुल बिल्कुल मुझे यही लगता है कि और इसका खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा क्योंकि देश को बार नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा देश को ये बार बार ही अलग अलग ढंग से नहीं समझा सकते कि आप गठबंधन हो गया अब ऐसा हो गया इनको चेहरा भी बताना पड़ेगा इनको प्लानिंग भी देनी पड़ेगी इनको रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा अभी तक कुछ भी नहीं है ये विधानसभा से ट्रायल शुरू हुआ है इनका कि विधानसभा अगर हमारी स्थिति मजबूत हुई तो सपा और बसपा वाला कांड इनके साथ ये होने वाला है जो पिछले 2019 में हुआ है अच्छा उत्तर प्रदेश का जिक्र हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अस्सी लोकसभा सीटें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं का नहीं है क्या सपा के साथ गठबंधन इसलिए बनाया ताकि यूपी में जो इनकी कोई भी जमीन है वो तलाश ले कोई ना कोई सीट इनकी निकल जाए देखिए लोकसभा और आपका विधानसभा दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं ठीक है विधानसभा आपके लोकल मुद्दों पे आधारित होता है और लोक जो लोकसभा मतलब विधानसभा का और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो एक पूरे देश को देखा जाता है उसमें आप देखिए कि सपा के पास पांच सीटें थी और अभी विधानसभा में उनकी सीटें भले ही ज़्यादा हैं पर आप ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी से खुश नहीं है यहाँ पकड़ बहुत मजबूत है यहाँ पर मैं मोदी सरकार की नहीं योगी सरकार की बात करूंगा यहाँ योगी सरकार की पकड़ बहुत मजबूत है आप ये मान के चलिए कि अगर 80 80 विधानसभा हैं योगी आदित्यनाथ ने पहले 80 विधानसभा पहले साल में ही हर विधानसभा जाकर हर जगह जाकर उन्होंने भ्रमण कर लिया है स्थिति जायजा कर लिया है कि क्या स्थिति है और काम भी हो रहा है आप ये कह रहे हैं कि जो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की योगी पर वोट जाएंगे मोदी पे ना जाकर कुछ ऐसा हो हाँ उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पे वोट जाएंगे ये पक्का है कि योगी मॉडल पे ही वोट जाएंगे योगी के योगी मॉडल को लेकर बाकी प्रदेशों में भी चर्चा होती रहती है उनकी उनकी कार्यशैली को लेकर चर्चा होती है जहाँ सबसे ज़्यादा दंगे होते थे आज आप दंगों की स्थिति देख लें सब शांत है और उनका जो रवैया है काम करने का जो तरीका है वो बाकी प्रदेशों में भी अपनाया जाता है यहाँ अखिलेश यादव का स्टैंड क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कहाँ स्टैंड ले रहे हैं अभी वो चुप है तल की देखी गई लेकिन अब वो शांत है क्या वो मान गए हैं इस फार्मूले से अब उन्होंने तो एक दिन पहले उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बयानबाजी करी आप एम में इलेक्शन को ले दूसरे दिन उन्होंने कह भी दिया कि कई बार हम हीट ऑफ द मोमेंट कुछ कह देते हैं इतनी परेशानियाँ होती हैं ये होती हैं ये आप बिल्कुल सही कह रही थी रात में गुपचुप मीटिंग हुई जहाँ एक दूसरे को समझाया गया नेक्स्ट डे ऐसी बयानबाजी आई पर आपको आ, हैं तो सब इंसान है ना कहीं ना कहीं अंदर तो आपके पनपता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या करा इन्होंने मुझे मध्य प्रदेश में पाँच सीटें नहीं दे पाई या सात सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया मैंने अपने आदमी उतारे कहीं ना कहीं मन में ये है कि आओ तुम हमारे उत्तर प्रदेश तब हम तुम्हें बताएंगे बिल्कुल लोकसभा में दिखाएंगे हम तुम्हें सीट नहीं देंगे। अच्छा, जो गठबंधन है यानी कि हम जो सीट साझा करेंगे वो सिर्फ लोकसभा में करेंगे विधानसभा में नहीं करेंगे देखिए ऐसा है की अखिलेश ने कह जरूर दिया और ये बात हमने जब प्रवक्ताओं से पूछी तो प्रवक्ता तो क्लियर थे तो चर्चा वो यही हर चर्चा में उन्होंने ये बात कही है कि हमारी ये लोकसभा के लिए गठबंधन हाँ। है हमारे विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं है तो अखिलेश जी ये गलत कहते हैं कि हमें क्लियर नहीं था उनको लगा कि मैं ऐसा बोलकर बच के निकल जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके कार्यकर्ताओं को पता है आपके प्रवक्ताओं को पता है आपको नहीं पता ऐसे कैसे माना जा सकता है तो अब कई कई बार अभी अभी स्थिति यह है कि एक दूसरे को ये बयानबाजी नहीं कर रहे हैं वो एक एक दूसरे दूसरे को बचाने की कॉर्नर ले रहे हैं का पर उससे काम चलेगा नहीं ये कैसे सामने वाले सामना कर सकते हैं बिल्कुल गठबंधन गठबंधन नजर आने का मैं पहले बोलू गठबंधन कहा नजर आ रहा है गठबंधन अभी सिर्फ गठबंधन वर्ल्ड में ही सीमित है ठीक है हिंदी का अच्छा शब्द है आई आई इन्होंने इंडिया को आई एन करके इन्होंने सोचा कि मेक इन इंडिया चूज इन इंडिया वट एवर इंडिया खेलो इंडिया ये सब इन्होंने किया उसको इन करने की कोशिश ताकि अपोजिशन इसमें मतलब सरकार इसमें कुछ आग, बोले तो हम इसके ऊपर इनकी खिंचातानी कर लेंगे पर इन चीज़ों से नहीं चलता है पहली चीज़ एन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एन मौके पर जिस तरह सी बी आई ई डी और ये सब कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है ये लोग भी कर चुके हैं इनकी जांचें जो पहले से चल रही थी जो 12 साल पुरानी जांचें या 8 साल पुरानी जांचें इन्होंने ये इनको पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी अगर ये कल्परेट है तो यहाँ पर कि EDI, जो, जो बीजेपी है विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूंगी जब पांच यहाँ पर बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है हाँ बिल्कुल कहीं नहीं देखिये जब इंसान किसी चीज पे प्रहार करता है जिस तरह ईडी सी का सहारा लेता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को डर तो होता ही है कि तो इसीलिए उनका वो चुप है ई डी के लोगों को आगे कर रहे हैं पर मैं बोलूं कि बीजेपी ये कर रही है चले मान लीजिए आप अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुनिएगा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमें 24 घंटे के लिए ई डी और सी बी दे दीजिए और सारे नेता जेल में होंगे कौन एनडीए के क्यों आप भी दुरुपयोग करने की तो बात कर रहे हो अब जिसकी जिसकी सरकार जिसकी भैंस उसकी लाठी होनी चाहिए तो वो भी गलत नहीं है तुम तुम जो मांग रहे हो तुम भी तो गलत करने के लिए मांग रहे हो या यूँ बोलते कि मैं मुझे ईडी सी बी आई दे दीजिए मैं इनको बिल्कुल साइड करूँगा इनका जो रोल है वही इनका काम होगा हमारे हमारे मुद्दों के ऊपर लड़ाई होगी मुद्दों से मैं इनकी तरह बर्ताव नहीं करूँगा ये होना चाहिए था स्टैंड आप बोल रहे हो कि मुझे भी दे दो मैं भी तुम्हारे पर कार्रवाई करूँगा तो मतलब वो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है ठीक है फिर क्या बुराई है लोकसभा चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है साउथ की तरफ अभी हमने नजर और बीजेपी खासकर क्या बीजेपी को डर है क्योंकि साउथ में हम देख रहे हैं कि उसका जो आखिरी दुर्ग था वो भी पूरी तरह से धाराशाही हो गया देखिए साउथ में एन कभी भी मजबूत थी नहीं और जहाँ चंद्रबाबू नायडू इनके साथ थे वो टूट गए हैं ठीक है और महाराष्ट्र में भी इनके पास ठीक है अभी शिवसेना है वो तो जोड़ की जोड़ की, है। जोड़ तोड़ 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 सरकार है अब इनका एनडीए का जो है अभी सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बाईस जनवरी को आएगा राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का जो न्योता इन्होंने अभी विपक्षियों को नहीं दिया है वो बहुत बड़ा जहां बयानबाजी शुरू होगी कि राम लला को इनके प्राइवेट हैं पर्सनल हैं कि जो इन्होंने ये किस बवाल शुरू हो गया और यही देख लेना बाईस जनवरी को एन के लिए बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं हिंदू एक होगा राम मंदिर जब बनेगा तो राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन हिंदू का एकत्रित होना बिल्कुल ये समझ लीजिए हंड्रेड परसेंट एक होने का और एक तरफा वोट पड़ेगा बीजेपी को ये एनडीए को बहुत अच्छे से पता है तो क्या जानबूझ के तारीख ये रखी नहीं जानबूझ जान के नहीं करना चाहिए सरकार जानबूझ के कोई वो नहीं है

हो गया ना बाद की राम मंदिर हो तो बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है या एनडीए को क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर 22 तारीख को इनोग्रेशन होता है राम मंदिर का तो वो जो एक तरफा वोट है हिंदुओं के वो बीजेपी को जाएंगे उसका तो वोट आपने ले लिया ना पहले नहीं तो नहीं, नहीं ऐसा देखिए आप जमीन खरीदती हैं उसमें मकान बनाती है जब तक उसका गृह प्रवेश नहीं हो जाता तब तक आपको फील नहीं आता है कि मैंने वो घर बनाया कि नहीं बनाया जमीन तो आपने ले ली ठीक है एक दिन एक घर बनाएंगे हाउस मोमिंग पार्टी जो है ना वो भी होनी बाकी है मतलब असली जश्न जो है राम है। है। बहुत अच्छा प्ले करेगी इसको इतने बढ़िया से एक तो मैं बोलूँ की प्रधानमंत्री मोदी अमर हो गए बिल्कुल उनके लिए कहूंगा कि उनका नाम बड़े स्वर्ण अक्षरों में वहाँ लिखा जाएगा बहुत बड़ा फैसला है और मतलब युगो युगो तक प्रधानमंत्री मोदी का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा किसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया किस क्या इसमें स्थिति हुई सारी चीज़ें इसमें होंगी पर अभी विपक्ष को जिस तरह से इन्होंने घेराबंदी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा जो घेराबंदी हो रही है उस घेराबंदी की फिलहाल ज़रूरत नहीं है अब नेचुरल प्रोसेस में इसको चलने दें ईडी सीबीआई जो भी हो रहा है वो सो नेचुरल प्रोसेस के तहत तो मतलब इंडिया आई एनडीआई गठबंधन भले ही जितने भी दाव पेश खेले लेकिन एक राम मंदिर जब इनाग्रेशन होगा सारे साम दंड भेद के सारे साथ सारे दावेश धराशाई होंगे अभी आपने कई आप चैनल आप देखिएगा मतलब मैं बोलूँगा एंकरों के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं अब वो कहीं पे एन को कमजोर नजर नहीं दिखा रहे वो एनडीए को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह बचते हुए नजर आ रहे हैं जो आज तक जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे उनके भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए डी देखिए उतनी सीटें तो नहीं आएंगी ये पक्का है वो मैजिक नहीं वो मैजिक तो नहीं चलेगा पर सरकार नहीं बनेगी ऐसा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि अगर ये आई आई गठबंधन बिल्कुल रोड मैप के हिसाब से चलता तो शायद इनकी स्थिति कमजोर हो सकती थी। और अब समय नहीं है कि आप उस हिसाब से चल ले क्योंकि समय निकल चुका है आपने जुलाई में मीटिंग की थी आपके पास बहुत सारा समय था आप कर सकते थे आपने वादा भी किया था कि सितंबर में हम सारे पत्ते खोल देंगे लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आया है तो सवाल यह है कि आई एन गठबंधन बना और बहुत खुशी हुई थी लोगों को कि हाँ ये गठबंधन है अब हम देखेंगे गठबंधन का रोड मैप क्या है क्या मोदी सरकार की नीतियों से अलग इनकी नीतियां हैं ना तो नीति नजर आ रही है ना लोगों नजर आ रहा है ना ये इकट्ठे नजर आ रहे हैं तो अब जनता पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिर आगे करना क्या है ऐसे में सवाल ये बनता है कि कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको पता ही है तस्वीर किस तरह से साफ हो रही है राम मंदिर का जिक्र हम लगातार कर रहे थे ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है एनडीए सरकार के लिए शायद यही वजह है रही कि एनडीए भी शांत बैठा है वो हो हल्ला नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल इसमें हुहल्ला हल्ला नजर भी नहीं आ रहा है और आगे चलकर बहुत स्थितियां बदलेंगी दिसंबर और जनवरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा महीना होगा दिन होगा जहां आप सोच भी नहीं सकते किस तरह से परिवर्तन होंगे और जिस तरह से आज सरकार की स्थिति है जो विपक्षी है। लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं बोलता हूं उल्टा होगा तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या राम मंदिर बीजेपी का टर्निंग पॉइंट है ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें जी तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया